जब लड़की नहीं मानी, लड़के ने तो खुल को कह दिया था अगर तू साथ देगी तो चाहे मेरा प्राण उतर जाए मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। इसे तू जाना चाहती या नहीं चाहती, वह बोली मैं जाना नहीं चाहती। हमारे को बोलती है हम ताने देते हैं, जब वो हमारे पास रहती नहीं तो हम उसको ताने क्या देंगे। मैं पंजेब चोरी का मामला था, वो बिकवाई थी, उस कारण इस लड़के ने इसको मारा पीटा था। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों हमारा हाथ जोड़ के राम राम। फिलहाल पहुँचे हैं जी फरमाना गांव, जो एक प्रवीण और ज्योति को लेकर मुद्दा वायरल हो रहा है और इनकी परसों काउंसलिंग भी हुई है। उड़े के रहे आके नहीं, आपस में खट्टे मीठे बोल भी हुए हैं। लड़की के बोली है, लड़की माँ के बोली, परिवार की इनकी के बातचीत हुई है और टोटली हमारे पास में प्रवीण के पिताजी हैं, इनसे जो है पूछेंगे और आपके सामने लेके आएंगे। हाँ जी अंकल जी, राम राम जी। राम राम जी सभी भाइयों को, राम राम। अच्छा उड़े परसों थाने में काउंसलिंग कराई थी बच्चे की, ज्योति की भी, प्रवीण प्रवीण की भी, उड़े के रहा सर आपका? काउंसलिंग नहीं कराई थी जी, वो हमारे नोटिस थे, नोटिस द्वारा हमारे को के कारण ये कहा गया था कि 17 तारीख को थाने में आना। हम थाने में गए थे, दूसरा पक्ष भी आया था, दूसरा पक्ष और हम आमने सामने होने पर सिर्फ एक ही बार के कारण मतलब पूछा गया था पत्नी की, लड़के की पत्नी से, अब तू जाना आ ज्योति से तू जाना चाहती या नहीं चाहती। वह बोली मैं जाना नहीं चाहती। फिर बोला तेरे को क्या परेशानी है? बोलती है लड़का मतलब मेरा पति मेरे को मारता पीटता है। ये पीटने का सवाल का जवाब तो लड़के ने दे दिया था कि इसने कि कोई पंजेब चोरी का मामला था, वो बिकवाई थी, उस कारण इस लड़के ने इसको मारा पीटा था। हमारे को बोलती है हम ताने देते हैं, जब वो हमारे पास रहती नहीं तो हम उसको ताने क्या देंगे। ऐसा ना हो अगर आप गांव में रहते हो, वो नरेले में आड़े ताने भेज देते हो आप लोग। हाँ इतनी लंबी हमारी जबान है, यहाँ ताने मारते नरेले उसको के कारण हमारी लड़के की पत्नी को सुनाई देते हैं। ये तो तुम्हारे सामने ही तो है, जब हमारे पास रहती नहीं और के कारण हम ताने मारते हैं तो उसको नरेले सुन जाते हैं। हाँ अच्छा, फिर उस जो ज्योति की माँ से कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, वो तो के कारण उसकी और किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। और फिर एक और मैटर उसने आरोप लगा था मेरा पति मेरे को खाने को नहीं देता। चार साल बिना खाए क्यों कर रही है? वो तो वही बताएगी ना, वो 4 साल कहाँ से खाया है, भीख मांग के खाया है या चोरी करके खाया है या घर से ले आके खाया, सबूत तो ही देगी। आप ही से मैं पूछ रहा हूँ ना, 4 साल कहाँ से खाया, मीडिया के सामने आके जवाब तो दे। अगर मैंने वहाँ चोरी करी थी, अपने माई के जाके ले आई थी या मेरा बाप दे गया था, मेरा पति ने चोरी करी थी, वो तो वो ही बताएगी ना, हम तो नहीं बता सकते ना इस चीज का। वो उन्हें जो 4 साल बगैर खाए को आदमी रह जाएगा। अच्छा एक से और भी है अंकल जी, आप बड़े सियाने हो, पहले परिवार बड़े काका ताऊ देखा थे लड़के ने, लव मैरिज का तो 16 पैदा नहीं था, आज आप उस कल्चर ने बढ़िया मानोगे कि इस न मानोगे? आज का युग तो ऐसा आ चुका है, चाहे लव मैरिज हो, चाहे कोर्ट मैरिज हो, या अरेंज मैरिज हो, या रजाबंदी की शादी हो, उसकी जो धजियाँ उड़ाई जा रही है, जो एक रिलीविंग जो कानून इंडिया गवर्नमेंट ने बना दिया है लिविंग, इसके कारण सभी शादियों की धजियाँ ही उड़ाई जा रही है। क्योंकि चाहे कोर्ट मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे भाई बंदी की शादी हो, ये रिलीविंग ऐसा कानून ला दिया है, वो कोई भी पति अपनी पत्नी को लात मार के दूसरी के साथ रह सकता है, पत्नी अपनी पति को छोड़ के रह गए, चाहे 3 बच्चे हो 4 बच्चे हो, उनको छोड़ के लात मार के किसी के साथ रिलीविंग के उसमें रह सकती है। नहीं, लिविंग तो गलत है, और उसमें शादी शुदा को भी पना मिल जाए वो भी और उसमें लेकर ना घर बर्बाद हो जाए दोनों कहते उसमें रह ले है। हाँ वो ये घर बर्बादी का जो कानून है ये नहीं, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, आप लोग जैसे भाई ने प्रवीण ने कोर्ट मैरिज करी है, आप लोग इसमें इसको अच्छा मानो हो, जो बड़े बूढ़े देख कर करते अपने आप उसने बढ़िया मानो हो? देखो जो बड़े बूढ़े लोग करते हैं या करते थे या करते ही आ रहे हैं, शादी तो वही है। फिर ये प्रवीण तक गलती हुई जो आप इसमें शामिल थे कि ना, आप तो ऊपर धोखरी है ऐसा, इसमें न प्रवीण की कोई गलती नहीं है। आज मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये गलती उसके माँ बाप की है, क्योंकि जो इसने कोर्ट मैरिज मेरे लड़के ने करी,
माँ बाप तो उसके राजी को ना थे उसमें शादी में? राजी तो नहीं थे उनको, एक साल पहले जिस दिन इसने कोर्ट मैरिज करी है ना उससे एक साल पहले उसके माँ बाप को और उसके भाई को पता था, क्योंकि वे आकर मिलने हैं शादी करेंगे ये मेरी पत्नी से, मेरे से नहीं, मेरी पत्नी से उसका भाई, उगी माँ, उगा बाप, तीन बारी, दो बारी या तीन बारी झगड़ा करके गए हैं। यहाँ आके घर पा गए, नरेला ही हम रह रहे थे उस टाइम पर, लड़का हमारे साथ रह रहा था, और तो के कारण झगड़ा किया है मेरी पत्नी से, आगे अपने लड़के को समझा ले नहीं, ये कर देंगे न्यू कर देंगे। मेरे घरवाली बोली मैं अपने लड़के को समझाऊंगी, तुम अपनी लड़की को समझाओ। जी जी बिल्कुल। जी स्कूल में लड़की पढ़ती थी, जी स्कूल में लड़का जॉब करता था, उसी स्कूल से हमने इसका जॉब हटवाया, किसी दूसरे स्कूल में जॉब लगवा दिया, क्यों बस पहल पर ही करता था, बालक था इतना, वो तो वो नहीं था, चोरियों भी नहीं था। हाँ, और तो दूसरी स्कूल में लगा, वो लड़की फिर भी नहीं मानी, फिर दोबारा आई तो घर मेरे घरवाली ने उनको उसके लव लेटर दिखा दिए, देखो लड़के के पास ऐसे ऐसे भेजती है, तुम्हारी लड़की पहल कर रही है, लड़का पीछे, तुम्हारी लड़की आगे है, अच्छा, अपनी लड़की को समझाओ जी। जब उनको ये पता चल गया हमारा बच्चा गलत लाइन चल गया है, उनका शादी करने का उसके माँ बाप का या भाई का फर्ज था या नहीं था, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये उनका फर्ज था या नहीं था? नहीं था, क्यों नहीं है, जवाबदारी है क्यों नहीं? फिर उनका फर्ज था तो उन्होंने अपने सास ससुर को क्यों नहीं बताया? अगर आज भी मेरे को पूरा विश्वास है, जो लड़की के बारे में माँ बाप भाई को पता चला था, उन्होंने तो अपने रिश्तेदारी में किसी को बताया कि हमारी लड़की ऐसे चल गई है, और ना लड़की को रोक पाए, और ना अपने सास ससुर को बताया, न और अपने जोश के चाचा ताऊ हैं उनको किसी को बताया। वो तो कसूरदार हैं, जैसे कसूरदार वो है उसे, मतलब थोड़े घने कसूरदार आप भी होंगे इस मैटर में। इस मैटर में हम क्या कसूरवार हैं, जब हमने लड़के की वहां से जहां पर वो करता था कि अगर लड़की और जहां ये हेल्परी करता था वहां से हटा के दूसरे स्कूल में करवा दिया, तो हम कसूरवार इसमें किस कैसे बन गए? क्योंकि जब लड़की नहीं मान रही, माँ बाप को पता उसकी समय रहते शादी नहीं कर रही, तो उसमें हमारा कसूर थोड़ी है। लड़की तो कोना मान रही है, पर शादी दोनों की हुई है, लड़की नहीं मानी लड़का भी कोना माना? जब लड़की नहीं मानी, लड़के ने तो खुल को कह दिया था अगर तू साथ देगी तो चाहे मेरा प्राण उतर जाए मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। दोनों कसूरदार है ना, आज लड़का तो अपनी जगह कामयाब कायम है, वो तो नहीं कायम है, वो तो दो बच्चे पैदा करके भाग गई छोड़ गई। यहाँ की मिस्टेक हो रही है, तो दो बच्चे छोड़ गए ना, जो जनता देख रही है ना वो इमोशनल है, डेढ़ महीने के बच्चे को छोड़ गई ना, एक माँ का रूप ऐसा नहीं होता उसको, मगर इन दोनों की नहीं बनती। आपके ऊपर एलिगेशन ताने दे रहे हो, भूखे रखा गया है, अगर मान ले अलग भी होना था कुछ टाइम के लिए, साल छह महीने साल भर बच्चे को अपने पास रखती, दूध पिलाती उसको, और फिर से बेशक सौंप देती है। हाँ, बच्चे को क्या कह रहे इस लायक तो करके जाती है कि ये क्या कह रहा, मतलब ऊपर का सारा चीज खाने पीने लग जाता, चूची छोड़ देता, फिर अपना चली जाती, लेकिन ये धोखा दे के जाना बच्चे को क्या कह रहे 45-48वें दिन छोड़ के जाना, ये तो उसने इतना बड़ा जुलम किया है, प्रशासन की मतलब इसमें कोई सजा नहीं है, नहीं तो उसको सजा के हकदार है, नहीं हो तो आप बता दो 48 दिन के बच्चे को क्या कुछ नहीं चाहता, माँ के दूध के बगैर पल जाएगा? जैसे माँ के दूध के बगैर बच्चा पेट खराब हो गया, और हम कहना चाहते हैं जब और कोई नुकसान हो जाए फिर आप किसने दोषी मानोगे? और हम तो के घर माँ को दोषी मानेंगे, जो माँ से छोड़ के गई है और कौन दोषी हो सकता है? उसके माँ बाप को कहे थे कैसे कहे, नहीं, नहीं। आपको कहे थे हम कैसे कहे? माँ का कसूर है, उसको इस लायक भी कर जाती, जैसे बड़ा बच्चा है ये बड़ा 2.5 साल का, उसको इस लायक कर जाती अगर खाने पीने लगता है, फिर कह के चली जाती, कह के चली जाती कि मेरी इससे बन नहीं रही, मैं अपने घर आ जा रही हूँ, बगैर बताए जाना बच्चे को छोड़ के जाना, ये गलती तो नेगेटिव दिशा थी। हमारा तो इसमें कोई गलती नहीं, गलती तो उसी की है जो बच्चे को छोड़ के गई है, हम तो ये भी इसको पाल दिए। ये परवीन के पिताजी के अंकल जी विचार हैं, जो थाने में गए हैं, और फिर इनकी जल्द ही का दिन में फिर काउंसलिंग होने वाली है कोर्ट के पैनल में, जो है कल की काउंसलिंग है, कल के जी कल की है 20 तारीख की जी, कल काउंसलिंग फिर है इनकी, और जो कोर्ट के पैनल में है वो सीजीएम साहब के सामने, और वहाँ की जो रिपोर्ट होगी वो भी दर्शाई जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। और फिलहाल हमारे पास में इस केस की इतनी अपडेट है, आगे कोई भी सामने आएगी तो आपको जरूर शेयर करेंगे, और जब तक बने लोक शक्ति मीडिया से, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।